क्लास सेवेंथ, लेट्स ट्राई फाइव, जो चैप्टर फाइव चैप्टर वन में जो लास्ट लेट्स ट्राई है वो आज मैं करा देता हूँ, ठीक है। इसके बाद हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। और आपको पता ही है कि एग्ज़ाम्स की डेट शीट जो है वो आ गई है, तो हमें थोड़ा तेज़ भी चलना है, ठीक है। जो भी थ्री या फोर चैप्टर्स हैं वो सारे हमें करने हैं, ठीक है। लेट्स ट्राई फाइव। फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स द क्वोशंट ऑफ टू इंटीजर्स विथ सेम साइन। मैं आपको ये सारे क्वेश्चंस इसमें पढ़ा, जिसमें मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको करा दूंगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए भी छोड़ रहा हूँ। देखिए आप, लेट्स ट्राई फाइव। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में पहला है द क्वोशंट ऑफ टू इंटीजर्स विद सेम साइन इज पॉजिटिव। क्वोशंट टू इंटीजर्स जो है अगर उनका साइन सेम हो तो उनका क्वोशंट पॉजिटिव होगा हमेशा। द क्वोशंट ऑफ टू इंटीजर्स विद डिफरेंट साइन इज नेगेटिव। तो दो इंटीजर्स दोनों का डिफरेंट साइन होता है, एक माइनस और एक प्लस, तो उनका क्वोशंट हमेशा नेगेटिव आता है। सेकेंड वन इज, इसमें सेकेंड जो है वो आप इसमें भी देखते जाइए, इसके अंदर भी कई सारे क्वेश्चन दिए हैं। मैं इसमें से दो एक दो तीन करा देता हूँ और बाकी आप करेंगे, किस तरह करने हैं वो बता देता हूँ। 75 डिवाइड बाई, यहाँ पर ये जो फिल है वो कैसे करना है, क्योंकि आपको माइनस फाइव लाना है। तो डेफिनेटली जब हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं और ये पॉजिटिव नंबर है तो यहाँ अपोजिट साइन वाला नंबर होगा, तभी नेगेटिव आएगा यहाँ पर। तो 15 से 5 को 5 टाइम्स डिवाइड करेंगे तो ये माइनस फाइव ऑटोमेटिक आ जाएगा यहाँ पर और ये 15 रहेगा। तो ये साइन का आपको ध्यान रखना है, इंटीजर्स में आपको साइन का ध्यान रखना है। इसी तरह से यहाँ पर क्या था, माइनस 84 से माइनस 7 को डिवाइड करना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस रहना है, और 7 से 84 को डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, ठीक है। इसी तरह आप उसे फिल कर लीजिए। नेक्स्ट इज, यूज योर नोटबुक द आंसर, यूज योर नोटबुक टू आंसर द फॉलोइंग। इसमें टू आंसर द फॉलोइंग लिखना है, यहाँ पर ये टू है, टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें क्या है, डिवाइड द फॉलोइंग, ये जो क्वेश्चन हैं ये वाले, इसमें ये है माइनस 57 डिवाइड बाई 19। आपको हम बार बार ये याद रखना है कि अगर डिफरेंट साइंस हैं, डिफरेंट साइन है, 57 पर नेगेटिव है, 19 पर पॉजिटिव है, और जब भी इसका क्वोशंट आएगा तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। क्योंकि या तो दोनों टर्म्स नेगेटिव हों या दोनों टर्म पॉजिटिव हों, तो यहाँ पॉजिटिव रहता है, और अगर डिफरेंट साइन हो तो नेगेटिव रहता है। तो माइनस 57 और प्लस 19 है, तो 19 से ये 3 टाइम्स चला जाएगा, 19 3 या 57 और माइनस आ जाएगा। नेक्स्ट है माइनस 555 एफ, इसके बाद मैंने काफ़ी छोड़ दिए हैं, फिर एफ कराया, माइनस 555 डिवाइड बाई माइनस 111। अब आप इसमें देखो सेम साइन है, और सेम साइन है तो पॉजिटिव आएगा, और 111 से 555 5 टाइम्स कट जाएगा, तो ये जो क्वेश्चन है वो 5 आएगा। इसी तरह से सारे क्वेश्चंस में डिवाइड होना है, बट डिवाइड करते टाइम आपको दिमाग में रखना है कि साइन क्या आएगा, बस साइन का ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन समझिए थोड़ा सा। अ लिफ्ट ट्रेवल्स एट द रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, इफ द डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 20 मीटर द ग्राउंड लेवल, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच माइनस 220 मीटर, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि डिसेंट स्टार्ट का मतलब होता है कि ग्राउंड लेवल सपोज ये है, तो उससे यहां से लिफ्ट डाउन होना शुरू हो रही है, ग्राउंड लेवल से 20 मीटर ऊपर से यहां से डाउन हो रही है, तो माइनस 20 तो इतना यहां चलेगी, और माइनस 220 मीटर नीचे भी ये जाती है, यहां तक जाती है माइनस 220। तो इसको भी नेगेटिव इसलिए लिया क्योंकि लिफ्ट जो है वो यहां से डाउन होना शुरू हो रही है, ग्राउंड लेवल से नहीं हो रही है, यहां से डाउन होना शुरू हो रही है। तो वी विल टेक दिस डिस्टेंस विद अ नेगेटिव साइन, क्योंकि हमें ये भी नेगेटिव लेनी पड़ेगी क्योंकि यहां से लिफ्ट जो है वो डिसेंड करना शुरू करती है, ठीक है। तो 20 मीटर ये, माइनस 20 मीटर ये, और माइनस 220 ये। तो एक तो स्पीड ऑफ द लिफ्ट इज गिवन 4 मीटर पर सेकेंड, और टोटल डिस्टेंस कवर्ड माइनस 20 मीटर ये और प्लस माइनस 220 मीटर, जितना कि नीचे बिलो द ग्राउंड कवर करना है, बिलो द ग्राउंड उसको कवर करना है। तो ये टोटल डिस्टेंस जो कवर करेगी लिफ्ट, जो टोटल डेप्थ कवर करेगी वो हो जाएगी माइनस 240 मीटर। टाइम टेकन इज टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी थी माइनस 240 और स्पीड इज 4 मीटर पर सेकेंड, तो 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो 60 सेकेंड दिखाएगा। माइनस ये दिखा रहा है कि ये जो
ये जो डिस्टेंस जो ये डाउन जा रही है ना लिफ्ट, इस वजह से ये जो है वो साइन जो है वो नेगेटिव आएगा। तो आप नेगेटिव साइन से ये बताएंगे, सो लिफ्ट टेक्स 60 सेकेंड्स टू रीच द -220 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल। ठीक है, तो -220 मीटर बिलो द ग्राउंड जाने में, यानी कहाँ से ऊपर टू -20 और ये वाला 220, दोनों मिला के इतना कवर करने में वो 60 सेकेंड्स लेगी। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, ये वाला फिफ्थ, द कोशंट ऑफ टू इंटीजर इज -5 एंड 0 इन द रिमाइंडर। इफ वन ऑफ द इंटीजर इज 10, वॉट इज द वैल्यू ऑफ द अदर। कोशंट ऑफ टू इंटीजर, यानी कोशंट ऑफ टू इंटीजर जो है -5 एंड 0 इज द रिमाइंडर। तो दो नंबर्स हैं, दो इंटीजर्स हैं, उनका उनको डिवाइड करते हैं तो -5 आता है और रिमाइंडर 0 है, यानी पूरा पूरा चला जाता है, 0 रिमाइंडर रहता है। इफ वन ऑफ द इंटीजर इज 10, उनमें से एक इंटीजर 10 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द अदर नंबर। तो दूसरा इंटीजर की वैल्यू आपको निकालनी है, बहुत आसान है लेकिन इसको आप निकालेंगे। आई एम लीविंग दिस क्वेश्चन फॉर यू। ठीक है, नेक्स्ट वन इज नंबर सिक्स। इसमें देखिए, ए एट द रेट बी, इसका मीनिंग है, ए एट द रेट बी का मतलब है ए को बी से डिवाइड करना है, प्लस 10 हो जाएगा और उसके ब्रैकेट के बाद जो आएगा उसमें भी प्लस 10 हो जाएगा। अब आपको इसका मतलब ये रख के चलना है, जैसे -57 एट द रेट ऑफ 19। ठीक है, इसको इस तरह से कर लेंगे कि -57 एट द रेट ऑफ 19, तो मीनिंग सेम होगा, ए की जगह पे -57 आ जाएगा और बी की जगह पे 19 आ जाएगा। प्लस 10 आ रहा है और ये प्लस 10 बाहर आ रहा है, तो -57 19 से डिवाइड करेंगे तो ये -3 हो जाएगा, प्लस 10 और प्लस ये वाला 10, तो -3 और प्लस 10 कितना हुआ 7, 7 प्लस 10 हो गया 17। तो इसी तरह से जैसे ये वाला क्वेश्चन किया है, बिल्कुल इसी तरीके से इसके जो दो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो आप कर लेंगे। ठीक है, तो इसके साथ ये लेट्स ट्राई 5 आपका फिनिश हो गया और इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। ठीक है।